माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। यश के फ्रेंड ने यहाँ पे खरीदा है एक विला, सो दे कॉल अस टू चेक आउट द विला एंड आल्सो थिंक अपॉन द फैक्ट ऑफ परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई। तो जब हम वहां पे प्रॉपर्टी देखने के लिए गए, ऑब्वियसली अ क्वेश्चन केम इनटू आवर माइंड कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सो नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग अपॉन दैट, हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए वेदर इट्स वर्थ ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टी इन यूएई। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टी इन यूएई, और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी वो विला जो हमने देखा है। तो हमने तो 3-4 विला देखे हैं, लेकिन उसमें से 2-3 विला मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या हम यहाँ पे विला या कोई फ्लैट खरीदने वाले हैं या नहीं। सो नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि यूएई में कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। स्पेशली दुबई की बात करें तो दुबई में एवरीवन नोज कि देयर इज सो मच डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जहाँ होता है वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस तो बढ़ते ही है। द नेक्स्ट इज कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, सपोज इफ यू हैव परचेज्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 मिलियन, तो आपको मिलता है यहाँ पे इन्वेस्टर वीजा। सिमिलरली अगर आप 5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हो यहाँ पे, तो आपको मिलता है 5 इयर्स का रिन्यूएबल दुबई वीजा, और अगर आप 10 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको मिलेगा 10 इयर्स का रिन्यूएबल दुबई वीजा, प्रोवाइडेड कि आपने 3 साल तक प्रॉपर्टी नहीं बेची है। द थर्ड एडवांटेज इज दैट यूएई हैज गॉट स्टेबल इकोनॉमी। अगर आप काफी सालों से देखोगे तो यूएई की जो इकोनॉमी है वो काफी स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस इतने फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, एंड इट मेक्स इट अ वेरी गुड इकोनॉमिक डिसीजन टू इन्वेस्ट हियर। फोर्थ एडवांटेज है दैट देयर इज अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट दुबई में आप 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आराम से वापस रेंट आउट कर सकते हो। एज आई सेड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट भी कर सकते हो एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आप उसको बेच सकते हो आराम से। बाइंग एंड सेलिंग इज सो क्विक हियर दैट इट इज हैसल फ्री। नेक्स्ट एडवांटेज विच इज सो ऑब्वियस इज यहाँ पे देर इज नो प्रॉपर्टी टैक्स अनलाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, हांगकॉन्ग है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, विच रियली सेव्स अ गुड अमाउंट ऑफ आवर मनी। और जब हम यहाँ पे अपना खुद का घर ले ही लेते हैं तो ऑब्वियसली वी आर सेविंग अ गुड अमाउंट ऑफ आवर मनी विच वी अदरवाइज पे ऑन रेंट्स। तो यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें पता है कि रेंट में हम इतना पैसा गवा देते हैं। लाइक इन लास्ट 5 इयर्स वी जस्ट लॉस्ट 2,50,000 दिरहम्स ऑन रेंट, जो अदरवाइज अगर हम इन्वेस्ट करते तो हमें कितना सारा पैसा मिल पाता। सो दिस इज वन सच थिंग कि जब हम पैसा पे ही कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट परचेज अ प्रॉपर्टी। तो जब हमारा रेंट पे करने का सिलसिला खत्म हो या जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो, एटलीस्ट एक एसेट हो हमारे हाथ में। सो दिस आर द एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस जहाँ होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो दुबई में यू नीड टू बी केयरफुल, इतने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच आई वॉन्ट टू मेक क्लियर हियर इज कि जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, इट डजंट मीन कि आप यहाँ के सिटीजन बन गए हो, क्योंकि एवरीबडी इज एक्सपेक्ट हियर, और जब तक काम कर रहे हैं तब तक हमारे पास यहाँ पे पैसा है। द मोमेंट वी रिटायर वी हैव टू लिव दिस कंट्री, सो नो मैटर आपने यहाँ पे घर खरीदा हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू विल हैव टू लिव दिस कंट्री एंड गो होम बैक। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ का ये है कि आपको इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट जो पे करना पड़ता है वो बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि आपको 25% तो तुरंत आपको डिपॉजिट पे करनी है, 4% आपको DLD को यानी कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, 2% आपको एजेंट फीस देनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 35% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है।
which really becomes very the difficult. Next disadvantage which you might need to consider is कि अगर आप property के owner बन भी जाते हो so that doesn't mean that कि अब आपके rent के खर्चे खत्म तो सारे खर्चे खत्म there are so many other charges जैसे कि आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ सकता है सर्विस चार्जेस पे करना पड़ सकता है आपके मॉर्गेजेस तो है ही वो तो आपको पे करना ही है सो देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेंसेस व्हिच कम्स लेटर ऑन सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड प्रोज एंड कॉन्स को दिमाग में रखते हुए आई वुड रेदर से कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ गुड डिसीजन क्योंकि ऐसे ही रेंट में पैसे दे देने से बेटर है कि हम यहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी खरीदे बट यस फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट अपफ्रंट कॉस्ट अमाउंट इन हैंड तब आप जाके सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं बट वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन द फैक्टर तो फिर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ यूएई में आप कहीं पे भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो जो मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वो है दुबई बिकॉज दुबई इज द मोस्ट स्मार्ट सिटीज इन द वर्ल्ड और दुबई में भी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी जाती है दुबई मरीना में और पाम जुमेरा में प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बहुत डिफर करती है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 lakh dirhams टू यू नो लग्जरी में तो फिर चल जाता है कहीं पे भी लाइक 2 million, 3 million एंड वट एवर मतलब अपर लिमिट तो है ही नहीं सो वट एवर प्राइस सो कौन सा और कैसा फ्लैट लेना है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फैमिली द प्लेस यू डिसाइड एंड योर बजट एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स तो ऐसे में हमने भी सोचा बिकॉज एज आई सेड अर्लियर यश के फ्रेंड ने खरीदा है विला सो ही परचेज विला इन शारजा नाउ लेट मी टेल यू क्योंकि अब तक मैं दुबई की बात कर रही थी सो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन वी आर गोइंग टू लुक आउट फॉर शारजा एज यू गाइज नो शारजा और दुबई जो है वो काफी कनेक्टेड है और शारजा से दुबई ट्रेवल करना इज नॉट अ बिग डील काफी नजदीक पड़ता है इट्स नॉट अ बिग कम्यूट और ये जो हम विला देखने वाले हैं ये जो विला है इट इज सस्टेनेबल सिटी शारजा सस्टेनेबल सिटी उन्होंने पूरी सिटी बनाई है एंड दे हैव कनेक्टेड दिस विलास टू दुबई विद अ हाईवे जो सिर्फ 15 मिनट में लेके जाते हैं सो अब मैं ज्यादा पहले बताती नहीं हूँ आपको क्या है क्या नहीं पहले हम जाके देखते हैं तुरंत कि ये विला कैसा है एंड फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या हमने सोचा है इसके बारे में ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइकिलिंग है इंडोर आउटडोर जिम्स है जॉगिंग ट्रैक्स है किड्स के प्लेग्राउंड है किंडरगार्टन स्विमिंग पूल स्कूल्स हेल्थ क्लिनिक्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स बहुत कुछ है इसके अलावा इन लोगों ने सोलार पैनल्स रखे हैं और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अप टू 50% कम हो जाता है ये लोग वेस्ट साइकिलिंग करते हैं अर्बन फार्म्स और ग्रीन हाउसेस रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन लोगों की सो दैट इज़ व्हाई वी लव दिस प्रोजेक्ट और अब हम देखते हैं यहाँ के फ्लैट्स यहाँ के विलास तो सबसे पहला विला है ये और ये है विला का लिविंग एरिया तो एंटर करते ही पहले लिविंग एरिया आया और ये है पीछे का दरवाज़ा और इस तरफ आता है किचन तो किचन यहाँ का बहुत स्पेशियस है सारे भी वाइट गुड्स जो है वो इन लोगों के तरफ से है तो जो भी यानी कि फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन या गैस स्टोव रेफ्रिजरेटर ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स वाइट गुड्स इन लोगों से सप्लाई होगा और जैसे ही किचन से अब ये जैसे कि किचन है यहाँ का अब किचन से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे है मेड्स रूम और मेड्स रूम के बाजू में है एक लॉन्ड्री रूम अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये 3 bedroom वाला है तो दिस इज फर्स्ट बेडरूम और उनके वार्डरोब्स हैं अब उसी के बाजू में है सेकेंड बेडरूम और ये सेकेंड बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम का कॉमन वॉशरूम है इस तरफ आता है एक छोटा सा लिविंग एरिया वापस अपस्टेयर्स और इस तरफ आता है मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम
और हर एक रूम में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सफिशिएंट लाइट्स है सब जगह पे। ये तो एनीवे वॉशरूम की लाइट्स ऑन है, बट अदरवाइज हर एक जगह पे लाइट सफिशिएंट है। तो ये है वार्डरोब्स अंदर से। अब जैसे ही हम विला के अंदर एंटर करते हैं, ये हम पीछे के साइड से एक्चुअली एंटर कर रहे हैं, ये पीछे का एरिया बताया है। फ्रंट साइड वो जो आपको डोर दिख रहा है सामने, वो फ्रंट एरिया है। तो यहाँ पे दो लिविंग एरियाज है, एक ये इस तरफ है, एंटर करते ही पहले आता है वॉशरूम और लिविंग एरिया, और ये है मेन बाहर का एरिया। यहाँ पे दो गार्डनिंग की स्पेस दी है, अभी अंडर डेवलप्ड है। और पहले आती है सीढ़ियाँ और फिर आता है ये सेकेंड लिविंग रूम जो ड्राई किचन के साथ है। इस विला में दो कॉन्सेप्ट है, एक ड्राई किचन और एक वेट किचन। तो ये वाला जो है ये ड्राई किचन है, और यहाँ पे भी शेल्फ्स वगैरह दिए हैं। तो अगेन वाइट गुड्स सब ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक ओवन देने वाले हैं, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया है और ये है अंदर का किचन। तो यहाँ पे है वेट किचन, और यहाँ पे भी सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे। और इस तरफ है मेड्स रूम। तो अगर मतलब सपोज कभी हमें बाहर जाना हो तो मेड जो है वो किचन और वॉशरूम एक्सेस कर सकती है, और हम बाहर का रूम लॉक कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस विला। तो इस तरह से है दो प्लेसेस। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर बेडरूम, अगेन ये थ्री बेडरूम है। तो ये सबसे पहला बेडरूम है। यहाँ पे भी उन्होंने एक छोटा सा काउंटर एरिया दिया है। फिर यहाँ पे एक लिविंग रूम है, और इस तरफ है सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम दोनों बेडरूम का। और अब हम जा रहे हैं मास्टर बेडरूम में। तो ये है मास्टर बेडरूम। इस तरफ अंदर की साइड पे दोनों ड्रॉवर्स दिए हैं, बड़े बड़े वार्डरोब्स दिए सॉरी। और ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। इस तरह से लुक है पूरा। So, yes, ये थे दो, हमने काफी देखे, लेकिन इसमें से हमने आपको दो विला देखा है, और ये किया दिया ने स्प्लिट। So, I hope you enjoyed watching this villa, और बहुत ही टेम्पटिंग लगता है जब ऐसी जगह पे हम जाते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे हमें रहना चाहिए। But then we later on thought about, you know, going for a flat, settling on a flat rather than on villa, because maintaining a flat is much more easier than a villa, and also considering the budget in our mind. लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि upfront cost जो है वो हमारे पास ready नहीं है अभी, तो अभी के लिए हम ये नहीं सोच रहे, बट वी विल डेफिनेटली थिंक फॉर इट आफ्टर अ ईयर और टू। सो गिव मी योर ब्लेसिंग्स एंड वी मे बी एबल टू परचेज आवर ओन फ्लैट ईयर इन यूएई, बिकॉज आई डोंट नो वेयर वी विल बी परचेजिंग, इधर इन दुबई और इन शारजा। बट येस, एज आई सेड, दुबई में भी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो 3 लाख दिरहम से शुरू हो जाती है। सो इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल टू परचेज अ प्रॉपर्टी हियर, क्योंकि जब आप अपना खुद का घर यहाँ पे बना लेते हैं, सो देयर इज दिस पार्टिकुलर फीलिंग कि हमारा खुद का घर है, यू कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑन रेंट्स, और यू कैन हैव दैट स्टेबल फैमिली बजट जहाँ पे आपको रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं हो रहा है। द अमाउंट ऑफ रेंट विच यू वर पेइंग अर्ली, और यू कैन सेट दैट अमाउंट फॉर द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ योर फ्लैट। सो लेटर ऑन जब आप रिटायर करके जाओगे घर पे, एटलीस्ट आपके पास
कुछ पैसा होगा, जितना पैसा आपने रेंट में डाला है वो आप यू नो बेच के वापस वो पैसा यूज कर पाओगे. दिस थिंग रिंग्स द बेल इन आवर हेड एंड वी विल डेफिनेटली गो फॉर दिस बट नॉट नाउ. विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और टू. हम अपफ्रंट कॉस्ट पहले तैयार कर लेंगे और फिर जाएंगे. वेल सो आज का इंफॉर्मेशन अगर आपको लगा है कि आपके लिए सही है, please give me a big thumbs up and also don't forget to share this video with your friends and subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको मेरे videos के notifications मिलते रहे और आप कोई भी videos miss ना करो. so अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार. till then bye, see you soon.